हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि अर्थ कितना कवर्ड है पानी से और हमें किस किस चीजों के लिए पानी चाहिए वो छोटी छोटी सी चीजें हमने देखी थी इस चैप्टर के अंदर सिर्फ चैप्टर को स्टार्ट किया था आज हम लोग देखेंगे वाटर साइकिल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वाटर साइकिल होती क्या है आपको पानी कैसे मिलता रहता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं है बहुत ही छोटा सा लेक्चर है शुरू करते हैं तो वाटर साइकिल डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर कैसे पानी खत्म हो जाता है आप कोई भी कपड़ा सुखाते हो तो वो जल्दी सूख कैसे जाता है ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है सो हाउ मेनी टाइम्स है वॉटर सीम्स टू डिसअपियर सिमिलरली वॉटर डिसअपियर फ्रॉम वेट क्लोज एज द ड्राई अप

इज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सोल्ट विद इट वॉटर वेपर सो फॉर्म बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कैनॉट यूजली बी सीन तो होता क्या है हमने क्या देखा था कि जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है चैप्टर फाइव जब हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटिंग कॉम्पोनेंट्स वाला तो उसमें देखेंगे की जब इवेपोरेशन जैसा प्रोसेस होता है तो इवेपोरेशन में होता क्या है आपका जो पानी है वो उड़ जाता है ठीक है और जो नीचे लेफ्ट ओवर होता है अगर आपने सोल्ट डाले तो सोल्ट बच जाता है तो इससे होता गया है पानी हो गया और वो किस में बन जाता है वेपर फॉर्म में बन जाता है जब वो आपका वेपर फॉर्म में बन जाता है तो ये वेपर्स आपको क्या होते हैं आप लोग इनको देख नहीं सकते आप लोग इनको क्या देख नहीं सकते बिल्कुल भी तो वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम और ये क्या होते हैं ये आपके एयर के पार्ट बन जाते हैं वॉटर वेपर सो फॉर्म बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कैनोट बी सीन

इट नीड्स टू टेट तो हमें हीट मिल कहाँ से रही है ठीक है हमें हीट कहां से मिल रही है यही हमारा क्वेश्चन है so, तो किससे मिल रही है प्लेट्स इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ प्लेट्स यू कैन यूज अ कैप ऑफ बॉटल टू मेजर वाटर मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर

Uh, could have taken more time does the heat from the sunlight reach here yes during the daytime all the air surrounding us gets heated this warm air provides heat for evaporation of water in the shade thus evaporation takes place from all open surface of water as a result water vapour get continuously added to air It's from a full of water. अगर आपनेकेट भरी पड़ी और आप उसको सनलाइट पर रख दो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उस पूरे पानी को खत्म होने के लिए शायद एक दो दिन ही लग जाए बल्कि कम बोल रहा हूँ और भी ज्यादा इन सनलाइट इवेपोरेटिंग वॉटर ऑन अ बर्नर

here we call this term as transpiration you have learnt in chapter 7 that plants need water to grow plant use a part of this water to prepare their food and retain some of it in their different parts remaining part of this water is released by the plants into the air as water vapor through the process of transpiration do you remember observing transpiration of water by plants in activity 4 in chapter 7 Water vapor enters the air through the process of evaporation and transpiration. Is it lost forever? No, we get it back again, as we will see. तो अब हम लोग चलते हैं how clouds are formed और ये हम लोग करेंगे आज का last topic और फिर oceans के बारे में हम लोग अगले lecture में discuss करेंगे पूरा का पूरा. तो how are clouds formed? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. टेक ग्लास हाफ फिल्ड विद वॉटर वाइप द ग्लास फ्रॉम दाइड विद्लीन पीस ऑफ क्लॉथ एट समू दॉटर वेट फॉर टू मिनट ऑब्जर्व देंजेस ऑफ द ग्लास फ्रॉम वेर डू वॉटर अपियर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास आउटर साइड पर पानी क्यों आ गया द कोल्ड सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइज वॉटर ठीक है कूल्स द एयर अराउंड इट तो आपने आइस तो अंदर रखा था लेकिन उसने बाहर की एयर को भी क्या कर दिया कूल cool कर दिया एंड द वॉटर वेपर ऑफ द एयर कंड ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास तो क्योंकि उसने ये एयर को कूल cool कर दिया और आपके बाहर तो क्या हीट है गर्मी है तो उस गर्मी की वजह से ये क्या हो गया कंडेंसेशन हो गया अब कंडेंसेशन क्या होता है वो चैप्टर फाइव में हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन का बेसिक मतलब ये होता है जब ठंडी चीज आपकी क्या हो जाती है गर्मी पड़ती है जब ठंडी चीज पर तो उस प्रोसेस को हम लोग एक तरीके से कंडेंसेशन कहते हैं ये उसका बेसिक मतलब है वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एक्टिविटी सेवन चैप्टर फाइव तो आप ये पढ़ सकते हो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ अर्थ हाउ डज इट हैपन एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर वेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर जैसे जैसे हवा में ऊपर जाती जाती है एयर वो और ज्यादा कूल होती जाती है एट सफिशंट हाइट सो कूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एज इट कंडर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स आपके हवा में क्या गए थे वॉटर वेपर्स और वो वॉटर वेपर्स क्या हो गए कंडेंस हो गए तो आपकी गर्मी वाली चीजें हो गई अब ठंडी पड़ गई ठीक है तो क्या हुआ मैंने आपको कंडेंसेशन क्या बोला जब गर्म वाली चीज गर्म वाली चीज को आप जब ठंडा करते हो ठीक है गर्म वाली चीज को जब आप ठंडा करते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कंडेंसेशन कहते हैं तो आपके वाटर वेपर्स क्या थे गर्म ऊपर अभी अभी गए वेपोरेट होकर के गर्मी वाली चीज थी अब उसको ऊपर क्या है बहुत ज्यादा ठंडी होती है जितना ज्यादा हाइट पर जाते हैं आपको पता है माउंटेन रीजन बहुत ठंडे होते हैं तो so, हाइट पर गए कंडेंसेशन हुआ क्योंकि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा है और ये गर्म वाली चीज मतलब आपके वाटर वेपर्स क्या थे? सिर्फ वेपर्स फॉर्म थे ऐसे हवा में स्टीम की तरह थी जब ये ठंडी हो गई तो ये क्या बन जाती है वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाती है ठीक है ये वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाती है इट इज दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू अस एस क्लाउड्स और ये टाइनिंग ड्रॉपलेट्स हम लोग को कैसे दिखते हैं क्लाउड की तरह दिखते हैं

आउट हो जाते हैं वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर गोज इन टू द एरेशन एंड ट्रांसपेरेशन फॉर्म क्लाउड एंड टू ग्राउंड एज नोटिसंटर मॉर्निंग सी वनडे वेपर नियर ग्राउंड वॉट डू यू थिंक ये बिल्कुल ठीक कहा अगर मैं इस पूरे लेक्चर को समराइज करू तो अभी हमने देखा ये वॉटर बॉडीज है वाटर बॉडीज पर क्या हुआ आपका सन था ठीक है ये सन ने क्या किया हीट दी तो हीट क्या बन गया आपके वाटर वेपर्स बन गए और ये वाटर वेपर्स जैसे जैसे ऊपर जाते जाए क्या हो गए कंडेंसेशन के प्रोसेस से कंडेंसेशन के प्रोसेस से ये वाटर वेपर्स क्या बन गए क्लाउड्स बन गए और ये जब ये क्लाउड्स बन गए तो थोड़े टाइम बाद हैवी ड्रॉपलेट्स की वजह से जब ये पानी क्या हो गया हैवी हो गया बहुत ज्यादा भर गया पानी हैवी ड्रॉपलेट्स की वजह से ये क्या हो गई आपकी रेन हो गई और अगर रेन होगी तो वापस पानी आपको एक तरीके से ओशंस में मिल जाएगा तो यहाँ पर हमने मेजरली वाटर साइकिल का पूरा काम खत्म किया है आई होप आपको समझ में आ गया होगा थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू